टोटल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं आता है, साउंड एनर्जी भी आता है, सभी ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। तो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा सोच करके बताओ। तुम लोग कल पढ़े थे ना, तुम लोग क्या होता है कोलिजन में यार, उसमें दो स्टेट होते हैं ना, एक में क्या होता है डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन क्या होगा कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता है रिफॉर्मेशन होता है ना, डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन। तो परफेक्टली ना इन इलास्टिक कोलिजन में तुम लोगों ने देखा था कि डिफॉर्मेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। या हमने ये देखा था कि क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, और जो लॉस, अच्छा ये क्या मैंने यूज किया है, दोनों यूज करना है क्या, एक और मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बहुत बोरिंग है ये सब, ऐसे है ना यार, भी अभी ठीक है पता नहीं उधर तो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि ड्यूरिंग कोलिजन मैंने ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डिफॉर्मेशन एनर्जी, जिसको हमने बोला था, हमने लॉस कैलकुलेट किया था कितना आया था, इन जनरल कितना आया था, 1/2 m1 अपॉन m1+m2 इंटू यू रिलेटिव का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू क्या था 1-E2, हमने जनरल मैंने ये बताया था। तो इसमें क्या होता है कि एक एनर्जी जो है वो दूसरे में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफॉर्मेशन एनर्जी में। जब मैं यहाँ बात करता हूँ जिसमें, जैसे मैंने अभी बताया कि अल्फा पार्टिकल को हम क्या करते हैं बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस में, उसमें भी क्या होता है देखना, जब क्लोजेस्ट अप्रोच तुम कैलकुलेट करते हो तो वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है, अरे मोमेंटली जीरो हो जाता है ना, याद आया ना तुम लोगों को। तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, याद आया तुम लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल फिर मैं बताता हूँ, जैसे ये भी मैंने बताया था कि क्या है, एक यहाँ ब्लॉक है ठीक है, जिसका मास कुछ दिया होगा, इसका मास हम m1 मान लें, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k है, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास क्या है, इसको m2 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको क्या है m1, ये मान लो कि v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये जा करके क्या होगा इससे कोलाइड होगा, जैसे ही इसके टच में आएगा तो स्प्रिंग में क्या होगा कंप्रेशन होगा, जैसे ही कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा एक्ट करेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा इसके वेलोसिटी को क्या करेगा डिक्रीज कराएगा, और इसके वेलोसिटी को क्या कराएगा इंक्रीज कराएगा, समझ में आया ना, और इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, उसके बाद दोनों सेम वेलोसिटी से क्या होंगे मूव करने लगेंगे। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अरे पढ़ाया हूँ हाँ, स्प्रिंग फोर्स में नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ½ kx², समझ में आया ना, उसमें क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वहाँ जो होगा वो जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में होंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या चीज़ में डिफॉर्मेशन एनर्जी में क्या होगा कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन। यदि इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें क्या होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या करते हैं गेन कर लेते हैं, तो डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है ऑब्जेक्ट में ठीक है फाइनली, तो इसलिए उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है ठीक है। यहाँ क्या होगा फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ ये फिजिकली दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में आएगा क्या, नहीं आएगा ना यार, स्प्रिंग बीच में है, तो यहाँ जो एनर्जी लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। उसी तरह मैंने ये बताया था कि यहाँ तुम्हारा क्या है न्यूक्लियस है, यहाँ मान लो कि न्यूक्लियस दिया हुआ है और इधर से हमने क्या किया अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा दिया, तो यहाँ भी क्या होगा या प्रोटॉन को ही हम प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये प्रोटॉन क्या होगा देखो इसका मास बहुत ज़्यादा है, समझ में आया ना, तो ये क्या होगा इसके क्लोज जाएगा और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और इसका मास बहुत ज़्यादा है इसलिए मूव नहीं कर रहा है, समझ में आया ना, तो ये क्या होगा इसके क्लोज जाएगा और मोमेंटरली क्या होगा रेस्ट में रहेगा और इस पर तो रिपल्सिव फोर्स लग ही रहा है, तो यहाँ रेस्ट में आकर के फिर क्या हो जाएगा रिबाउंड कर जाएगा। तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो तुम क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करते हो
अभी मैं जस्ट ये बता देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर के अपॉन आर मीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ से तुम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जब हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आता है, समझ में आया ना, तो डिफॉर्मेशन एनर्जी में भी कन्वर्ट। अरे आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, समझ में आया क्या? तो यहाँ क्या होगा, डिफॉर्मेशन एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करके क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ना? तो हम मैं ये बता रहा था कि कोलिजन जब होगा तो याद रखना है कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, या इन कोलिजन टोटल एनर्जी में सभी एनर्जी आते हैं। हाँ मैं ये बोलूँ केवल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि कोलिजन किस टाइप का है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि कोलिजन में क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है क्या किसी भी टाइप का हो, तो ऑफकोर्स क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। एक फॉर्म से एनर्जी जो होगा दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो तुमको ये ध्यान रखना है कि कोलिजन में क्या होगा और टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। उसके बाद तुम लोगों ने कल पढ़ा होगा कि कोलिजन में क्या होता है, एक तो कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, उनके बीच क्या होता है, लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगता है, पढ़े होंगे तुम लोग। वो लार्ज इम्पल्सिव फोर्स किसके रिस्पेक्ट में होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके रिस्पेक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आया ना? इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, तो कोलिजन के केस में हम उन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? लार्ज इम्पल्सिव फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जब पढ़े हो कि कोलिजन जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो इंटरेक्शन होता है वो टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। वो किसके रिस्पेक्ट में कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में कम होता है, या तो हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ मोशन, या हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग, मतलब टाइम ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट, आई मीन जितने टाइम में हम वो कोलिजन देख रहे हैं, आई मीन एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है और ये कोलाइड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में कोलिजन जो पीरियड होता है या कोलिजन जो टाइम होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। समझ में आया ना? उसके बाद ये तुमको ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा कि कोलिजन में, ड्यूरिंग कोलिजन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होगा, सेम ही रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी लॉस का बात करते हैं या चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का हम बात करेंगे, तो उसमें चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट तुमको क्या ध्यान रखना है, वो बाद में मैं बताता हूँ। अभी हमने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ कोलिजन तुम लोगों ने कल पढ़ा था, कितने तरह के कोलिजन पढ़े थे तुम लोग, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, है ना, दो ही तरह के कोलिजन पढ़े थे, और इलास्टिक कोलिजन भी पढ़े थे, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, सॉरी हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा बताओ तुम लोग, सेम का मतलब क्या होगा, देखो दो पॉइंट तुमको याद रखना है, एक को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन, और दूसरा क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, लाइन ऑफ क्या होगा, इम्पैक्ट, ये थोड़ा समझना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे देखो मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ कोलिजन का, तुम लोग डेफिनेशन जानते हो। देखो ये क्या है, एक बॉल है और एक दूसरा बॉल दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देखो इधर हम जब भी ये कंसीडर कर रहे हैं तो इधर हमने मान लिया प्लस और इधर हमने क्या साइन माना, माइनस, ये याद रखना है, समझ में आया ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो इधर जो डायरेक्शन होगा उसको हम प्लस मानेंगे, इधर जो होगा उसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। ये u1 है, इसका मास क्या है, m1 है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका मास क्या है, m2 है, और ये क्या है,
रेस्ट में ही ऐसे मान, ठीक है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन मैं बता रहा हूँ तुमको, ये क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे ऐसे, ऐसे आएगा ना यार, ठीक है, क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन। अब देखो लाइन ऑफ मोशन क्या है, लाइन ऑफ मोशन ध्यान से देखोगे तो यही है क्या, अरे यही है ना, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज लाइन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, जिस लाइन के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, जिसके अलॉन्ग वो कोलाइड हो रहा है, तो तुम ध्यान से देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। और यहां भी क्या है, ये देखो यहां ध्यान से, ये भी क्या है, ये क्या होगा देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट बोल सकते हैं क्या, अरे इसको इसी लाइन के अलोंग जाकर के कोलाइड होने हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलेंगे। तो इस केस में अभी देखना हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों जो होता है वो क्या होता है, सेम होगा, समझ में आया ना। जैसे तुम सिंपल देख सकते हो, दूसरा भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसे पहचानोगे बताओ, यहाँ देखो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, अरे तुम लोग सर्कल पढ़े हो, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल। तो अलवेज जो होगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो होगा अलवेज क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, इसको कॉमन नॉर्मल बोलेंगे, तो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। लाइन ऑफ इंपैक्ट अलवेज टेक प्लेस अलोंग द क्या होगा, कॉमन नॉर्मल। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बताता हूँ, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और यहाँ क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन, समझ में आया क्या। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल देखो तुम, जैसे तू इतना प्रॉब्लम कर रहा है, ये रिजिड, जैसे मान लो कि ये वॉल है, सरफेस है, ओरिजेंटल सरफेस लेवल, यहाँ से हमने क्या किया, एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप कर दिया, तो बॉल जब कोलाइड होगा इसे, इसको हमने रिलीज कर दिया, यहाँ जब ये कोलाइड होगा जस्ट बिफोर कोलिजन देखो, तो यहाँ लाइन ऑफ मोशन क्या होगा यार, लाइन ऑफ मोशन यही है ना, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ होगा क्या, यही होगा ना, तो इसको हम कौन सा कोलिजन बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। याद रखना है कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन यदि दोनों सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, या उसका नाम क्या है, डायरेक्ट कोलिजन, समझ में आया ना, क्या हम बोलेंगे उसको, डायरेक्ट कोलिजन बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दूसरा तुम देखो यहाँ ऐसे देखो, दूसरा केस कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल हो गया, एक बॉल को हमने क्या किया, ऐसे फेंका, अभी ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा और यहाँ क्या होगा, ऐसे कोलाइड होगा, ऐसे सोचो, ऐसे, ठीक है, फिर कोलिजन के बाद क्या होगा, ऐसे मूव करेगा ना यार, ऐसे मूव करेगा ना ये, यहाँ देखो लाइन ऑफ मोशन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये लाइन ऑफ मोशन हुआ ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन। यहाँ देखोगे तो कॉमन नॉर्मल, यहाँ क्या होगा, यही होगा ना ये, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, ये हो गया लाइन ऑफ मोशन, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। जैसे और एग्जांपल दे सकते हो, इसको हम देखो यहां क्या है, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम कौन सा कोलिजन बोलेंगे, पब्लिक कोलिजन बोलेंगे। इसको बाद में हम पढ़ेंगे, ये कितने एंगल पे जाएगा वो बाद में हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी है लेकिन बाद में पढ़ेंगे। दूसरा देखो, ये स्फीयर है, ठीक है, यहाँ एक स्फीयर ऐसे मूव, ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, ये जा करके क्या ऐसे कोलाइड हो, ऐसे मूव कर रहा है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, वीनट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास कुछ होगा, मास से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसका लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, देखो ये जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करोगे, यहाँ जब देखो जब ये कोलाइड होगा तो कुछ इस टाइप का होगा क्या, देखो तो इस टाइप का होगा ना, इसी टाइप का होगा ना, तो देखो तो लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, इसका ऐसे होगा जस्ट बिफोर, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा होगा,
यही होगा ना। तो अलवेज याद रखना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल के क्या होगा, अलोंग होगा, केवल ये ध्यान देना है। तो लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगा यदि सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा कोलिजन बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन, या उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोलिजन बोलेंगे। यदि सेम नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। समझ में आया ना, ये तुमको समझना जरूरी है। जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं तो ऑलवेज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखते हैं। किसके अलोंग लिखते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखते हैं। ये बाद में हम पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा। तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन, इसको लिख लेना एक बार तुम लोग, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। तो तुम और भी है देखो, वीज इंक्लाइन प्लेन तुम लोग जानते हो, इंक्लाइन प्लेन, अरे ये पढ़े हो तुम लोग, है ना, ये भी पढ़ना है न्यूमेरिकल्स, मैं बताऊंगा ये। यहाँ से अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को, हाँ अच्छा उधर चला गया क्या, बहुत प्रॉब्लम है यार, है ना। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ठीक, इससे बेटर है कि हम 3 घंटे पढ़ा लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ तुम देखना, हमेशा याद रखना, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक बॉल को यहाँ से रिलीज कर दिया। अब देखो ये जब यहाँ आकर के कोलाइड होगा, ये देखो लाइन ऑफ मोशन कौन सा होगा, ये होगा ना यार, एक कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, बाद में किसी एंगल पे इधर जाएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और बाद में देखेंगे कितने एंगल पे जाएगा, ये न्यूमेरिकल हम देखेंगे। आपसे यहाँ कोई पूछे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा, हमेशा याद रखना है नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, कहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या करो, नॉर्मल देख लो, उसके अलॉन्ग जो लाइन होगा वही क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन भी इसको बोलते हैं, दोनों टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है। इसको जल्दी लिखो तुम लोग, एक सेंट्रल कोलिजन भी होता है, एक एक्सेंट्रिक कोलिजन भी होता है। सेंट्रल कोलिजन में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ तुमको, कि सेंटर ऑफ मास जो होगा दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही क्या होगा, लाई करेगा। समझ में आया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोलिजन बोलते हैं। और एक्सेंट्रिक कोलिजन में क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उनका दोनों का लाई नहीं करेगा। समझ में आया क्या, थोड़ा देखो रफली डायग्राम उतना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। फास्ट ड्रॉ करो तुम लोग, क्योंकि हम जितना ज़्यादा, हमको क्या करना है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब देखो थोड़ा तुम पढ़े हो तो तुम लोगों को मालूम है ना, थोड़ा ऐसे ही, यदि हम हर लेक्चर में ऐसे ही सोचें 10 मिनट 20 मिनट पढ़ करके आएँ तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा।
चाहते हो थोड़ा सा भी डायग्राम सही हो जाए थोड़े टाइम, जल्दी जल्दी छापो तुम लोग। अब कोलिजन का डेफिनेशन लिखो और वहां से कोलिजन के बारे में दो तीन पॉइंट लिखने चाहते हो, अभी मैंने बोला था क्योंकि वो कब पूछा जाएगा एडवांस, ठीक है। अभी अपने को न्यूमेरिकल्स करना है, ये तो थ्योरी। लिख लिए तुम लोग? लिखो कोलिजन, जल्दी जल्दी लिखना, डेफिनेशन लिखो। कोलिजन इज एन, क्या इज ए क्लोज एंड, कोलिजन इज ए क्लोज एंड एन आइसोलेटेड, बताया था कि क्लोज का मतलब क्या होगा, आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा, बताया था ना कि कोलिजन इज ए क्लोज एंड एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच, पास में ठीक है। कोलिजन इज ए क्लोज एंड एन आइसोलेटेड इवेंट in which two colliding object exert a large impulsive force during a very small time a small time समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद लिखो इन कोलिजन, अब कुछ पॉइंट लिख लो तुम लोग, है ना, लिखो इन कोलिजन बोथ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, इन कोलिजन बोथ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट may or may come physically contact with each other, समझ में आया क्या, जैसे example क्या लिखोगे, ठीक है, कि during collision या in collision both the colliding object may or may not come physically in contact, जैसे कई example है, जैसे देखो अभी तुम खुद से भी लिख सकते हो कि यहाँ क्या है, yes ये न्यूक्लियस है, यहाँ से हमने क्या किया अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये अल्फा पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, ऐसे जाएगा और क्या होगा, ऐसे मूव कर जाएगा, ये पढ़े हो ना तुम लोग, तो देखो यहाँ न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल क्या है, कांटेक्ट में नहीं आता है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि देखो ये क्या हुआ, यहाँ हमने क्या रखा, प्रोटॉन रखा, प्रोटॉन को देखो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोटॉन है और यहां से हमने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कांटेक्ट में आएंगे क्या, आ जाएगा ना यार, आ जाएगा, ये कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कांटेक्ट में आ जाएगा, लेकिन चलो हम क्या करें यहाँ प्रोटॉन कंसीडर कर लें तो क्या होगा, आएगा, अब ये मत समझना कि ये ऐसे मूव करेगा, नहीं, यहां से जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ऐसे तो ये क्या होगा, इसके क्लोज जाएगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इसका क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि मास सेम है, और बाद में क्या होगा एक कॉमन वेलोसिटी से क्या होंगे मूव करने लगेंगे। इधर देखोगे ये मान लो कि ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों ये ई प्लस हो गया और ये भी क्या होगा
ई प्लस, दोनों जो होगा सेम वेलोसिटी से क्या होंगे, मूव करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ए 12 में जब जाओगे इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे वहां तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तुमको, अभी नहीं बताऊंगा। हालांकि वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा, कितना होगा तुम बता सकते हो यहाँ से, वेलोसिटी वी का वैल्यू बता सकते हो तुम। अरे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करके इसका मास कुछ होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया हुआ है। इसका मोमेंटम लिखो, इसका मोमेंटम जीरो जस्ट बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, अरे 2m इंटू वी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ क्या होगा कि दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, लिखो इन कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू लार्ज इंपल्सिव फोर्स। क्या होगा, एज कंपेयर टू लार्ज इंपल्सिव फोर्स, हेंस दीज फोर्सेस These forces are negligible as compared to impulsive force. ऐसा हम consider करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला point लिखो कि in collision total energy में सब energy लिख लेना है ना, total energy of the system of colliding particles will always remain conserved. In collision, total energy of the system of colliding particles always remain conserved. ठीक है, कि जो भी कोलाइडिंग पार्टिकल होगा उनका टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। उसके बाद एक अगला पॉइंट और लिखो कि इन कोलिजन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट। In collision, gravitational potential energy is remain constant. Therefore, change in mechanical energy is considered as change in kinetic energy. समझ में आया ना? Yeah, loss in mechanical energy is considered as change in kinetic energy. लिख लिए तुम लोग? उसके बाद लिखो टाइप ऑफ कोलिजन, लिखो जल्दी जल्दी लिखो टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन में क्या क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी है ना, लिखो पहले उसके बाद मैं बता दूं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कितने तरह के कोलिजन होंगे, ये जनरल ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, कौन कौन से होंगे बताओ तुम लोग। इलास्टिक
यही इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक, और तीसरा जो होगा क्या होगा, परफेक्टली। ठीक है, क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये तुम खुद से भी बता सकते हो। क्या क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कोलिजन में क्या होता है, देखो ध्यान से, एक ए ऑब्जेक्ट है, दूसरा ए ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास क्या m2 है, ए u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेस्ट में है, ठीक है, ए मैं बता रहा हूँ जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोलिजन, और एक सिचुएशन क्या आएगा, ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा, देखो थोड़ा क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है ना, कल तुम लोगों ने पढ़ा था, वो क्यों होता है वही मैं बताता हूँ, या तुम लोगों को खुद मालूम होगा। देखो ये ड्यूरिंग क्या होगा, कोलिजन, ये एम वन हो गया और ये क्या होगा, एम टू हो गया। ये ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ऐसे कोलिजन में ड्यूरिंग कोलिजन डिफॉर्मेशन होता है ना यार, क्यों, इस पर क्या होगा, देखो ध्यान से, इस पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, इसको हम एन डी लिख सकते हैं, ठीक है, इस पे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, लगेगा ना, ये क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, अपोर ज्यादा है यार, इसका वेलोसिटी क्या है, कम है, इसका वेलोसिटी अब क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल फोर्स इस पे लग गया रहा है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और इसका क्या होगा, कम होगा। एक ऐसा सी, एक कब तक डिफॉर्मेशन होता रहेगा तुम बता सकते हो, जब तक कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए, समझ में आया ना। तो जितने टाइम तक डिफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन टाइम, कोलिजन टाइम को या कोलिजन पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं डिफॉर्मेशन टाइम और दूसरे को रिकवरी टाइम बोलते हैं या रेस्टिट्यूशन टाइम बोलते हैं, समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिफॉर्मेशन होगा, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के कोरस्पोंडेंस क्या होगा, ये ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, जब इनका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा इनके बीच, ठीक है, तो इन दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो कोलिजन जब से शुरू हुआ और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कोरस्पोंडेंस जो जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन टाइम बोलते हैं, समझ में आया ना, इसको हम टी डी बोलते हैं। और इसके बाद अब देखो जैसे ही क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, अब इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा यार, बढ़ेगा ना इसका वेलोसिटी, ये क्या होगा, इसके कॉन्टेक्ट से क्या होगा, अवे जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उनका जो ओरिजिनल शेप है वो क्या होगा, रिगेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोलिजन है या ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइप के हैं। यदि इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि ओरिजिनल शेप क्या होगा, वो गेन कर लेगा, समझ में आया ना। लेकिन यदि इलास्टिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ओरिजिनल शेप गेन नहीं करता है, तो डिपेंड करता है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन तो होगा मैक्सिमम, उसके बाद क्या होगा, कम्प्लीटली क्या होता है, रिफॉर्मेशन हो जाता है, आई मीन ऑब्जेक्ट जो होंगे, ये देखो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ ना यहाँ, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद रिफॉर्मेशन या रिकवरी क्या होगा, शुरू हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये क्या होंगे, जितना जो इनका पहले शेप था वही क्या हो जाएगा, उसी शेप में आ जाएंगे, और ये कुछ अलग वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और ये क्या होगा, कुछ अलग वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, ये आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, चलो इधर मैं था, ये समझ में आया क्या, देखो इधर, तो ये जस्ट क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन ए वी वन वेलोसिटी से मूव करेगा और ये क्या होगा, वी टू। तो तुम लोगों ने कल पढ़ा था कि इन इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ऑब्जेक्ट
रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, आई मीन इसमें जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है लॉस नहीं होता है। ऐसे आपसे कोई पूछ दे कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होगा, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस, और आंख बंद करके मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस देखो वेलोसिटी मालूम चल जाएगा, अरे मालूम चल जाएगा ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करके, और यहाँ से तुम कितना लॉस होगा जो कल मैंने बताया था यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्या होगा मोमेंटम का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना यार, अरे इस इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है जीरो है, इसका कुछ मोमेंटम है, फाइनल देखो दोनों का मोमेंटम हुआ ना, अरे इसके पास भी कुछ मोमेंटम आया, इसके पास भी क्या हुआ मोमेंटम है, तो यहाँ मोमेंटम का क्या हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ डिफॉर्मेशन जीरो हो गया, आई मीन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा। ई का वैल्यू आप देखोगे तो कल मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको लिखो पहले, जल्दी जल्दी लिखो इसको, लिखो जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग, यहां आफ्टर कोलिजन लिख लेना, ये ओरिजिनल शेप दिखाना तुम लोग, मतलब ऐसे है ना, डिफॉर्मेशन मत दिखाना नहीं तो ऐसे याद रखना। अब यहाँ एक ग्राफ भी मैं बता देता हूँ कि इम्पल्सिव फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, तो कुछ ऐसे ग्राफ होता है, यहाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, देखो ये वाला जो ग्राफ होता है यहाँ से ये वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं टी डी बोलते हैं, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, यहाँ जो होगा वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, और इसके बाद क्या होता है इधर जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा बताओ, टाइम ऑफ रिकवरी या टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द कोलाइडिंग पार्टिकल विल रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, समझ में आया ना। तो यहाँ से क्या हुआ देखो, यहाँ से कोलिजन शुरू हुआ, ठीक है, जैसे ही कोलिजन शुरू होगा तो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, लगेगा ना, और इम्पल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, कब मैक्सिमम होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर उसके बाद क्या हो रहा है इम्पल्सिव फोर्स क्या हो रहा है डिक्रीज होगा, और अब यहाँ से क्या होगा रिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और जब कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट रिगेन कर लेगा उसके बाद इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना यार, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिफॉर्मेशन टाइम और दिस इज रिफॉर्मेशन टाइम टी आर, और इस टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ कोलिजन, कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस टाइम क्या होगा रिफॉर्मेशन। अब यार में रिफॉर्मेशन नहीं होता है, तुम लोगों को ये मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक में क्या होगा रिफॉर्मेशन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में रिफॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो तुम लोगों ने क्या लिखा है इलास्टिक कोलिजन में, क्या क्या लिखा पहले, क्या लिखे इलास्टिक कोलिजन में, लिखो कि आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज,
ओरिजिनल शेप एंड साइज लिख लिए तुम लोग। बताओ तो इसके एरिया से क्या मिलेगा, बताना तुम लोग। फोर्स वर्सेस टाइम अगर आप दिया हुआ है तो एरिया से क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम को कुछ और नाम से हम बुलाते हैं, नीक नेम क्या है उसका, इम्पल्स। समझ में आया ना? तो इससे क्या मिलेगा देखो, तो इससे कौन सा इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स भी यहां दो होगा, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और दूसरा क्या होगा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये वाले एरिया से क्या मिलेगा, ये वाले एरिया से क्या मिलेगा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और इस एरिया से क्या मिलेगा, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। वो बाद में अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखेंगे तो इसकी जरूरत होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये एरिया मैं बता रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, जी डी। अरे जे मैंने बताया था ना, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया लिख लेना तुम लोग, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो उसके बाद लिखो, हेंस काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व। इसका मतलब क्या होगा कि के ई, देखो क्या लिखोगे, के ई आई बिफोर कोलिजन, या के ई बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, के ई का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, समझ में आया ना, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा ना, लीनियर मोमेंटम किसी भी टाइप के कोलिजन में क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो यहां लिखो, अगला पॉइंट लिखना कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम पी मैं लिख रहा हूं, पी बिफोर कोलिजन, बिफोर का मतलब क्या हुआ, जस्ट, यहां बिफोर और आफ्टर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, पी जस्ट आई मीन आफ्टर कोलिजन। ये सब कल बताया, कल हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट बता सकते हो, बताओ, लिखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वन होगा, उसको लिख लो, जल्दी लिखो। ठीक है, E का वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आई मीन E इज इक्वल टू क्या होगा, वन। ठीक है, E का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वन होगा। ये किसके लिए होगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, बताना तुम लोग, बताओ क्या क्या लिख सकते हो, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, बताओ तो थोड़ा सोच करके। देखो ओरिजिनल एंड शेप एंड साइज होगा, कंप्लीटली रिगेन नहीं होगा, रिगेन होगा लेकिन क्या होगा, कंप्लीटली रिगेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो, लिखो इसको भी लिख लो तुम लोग, जैसे एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ए यू वन U2, M1, M2, ठीक है, क्या कोई डाउट है, क्या है, दिख नहीं रहा है क्या, तो थोड़ा अब तो मुझे मत दौड़ाओ अभी। ठीक है, देखो ये समझ में आया क्या, यहाँ क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन मैं दिखा रहा हूँ, ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ा डिफॉर्मेशन दिखा देना तुम,
ठीक है, और आफ्टर कोलिजन भी दिखाओगे तो थोड़ा डिफॉर्मेशन दिखाओ किसी एक में ऑब्जेक्ट में। हमने एक ही का दिखाया, देखो ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन। डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो ये क्या होगा, ये हमने मान लिया है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या v2 मान लो, इसको मान लो ये क्या हुआ v1 वेलोसिटी से, इसका मास m1, इसका मास m2। तो देखो इसमें कुछ क्या हुआ, डिफॉर्मेशन रह गया, समझ में आया ना। तो कुछ जो एनर्जी होगा वो किस में लॉस हो जाएगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किस में लॉस हो जाएगा या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफॉर्मेशन एनर्जी के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन लिखो, इन इलास्टिक कोलिजन लिखो, बाद में डायग्राम ड्रॉ कर लेना, लिखो इन इलास्टिक कोलिजन, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट does not completely regain original shape and size. Original shape and size. Colliding object does not regain completely original shape and size. Hence, लिखो hence, in elastic collision, kinetic energy will not conserve. आई मीन हम क्या लिखेंगे यहाँ, के ई बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू के ई आफ्टर कोलिजन, के ई ठीक है, क्या लिखे हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लेकिन लिनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, लिनियर मोमेंटम लिखो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, इसको लिख लो। और ई का वैल्यू जो होगा यहां लिख लेना, ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहां लिख लेना ई का जो वैल्यू होगा, ये बाद में तुमको मालूम चलेगा, लेस देन वन और ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन वन, ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक इसमें क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, होगा ही नहीं। तो लिखो उसके बाद लिख लो, लिखो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, लिखो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बोथ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट विल स्टिक टूगेदर एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी,
ठीक है, दोनों जो होंगे क्या होंगे, एक साथ चिपक जाएंगे और फिर चिपकने के बाद क्या होंगे, कॉमन वेलोसिटी से क्या होंगे, मूव करेंगे एम वन एम टू। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, अरे इस केस में डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा या सबसे ज्यादा होगा, तुम बताओ, ज्यादा होगा ना यार। अभी देखो बताया था, ये डायग्राम ड्रॉ याद रखो करो, हमने क्या बताया था, इधर इम्पल्सिव फोर्स बताया था वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ये ऐसे था ना यार, ऐसे कुछ। तो तुम बताओ, इसके बाद ए वाला पार्ट नहीं रहेगा ना यार। तो इस केस में डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है, समझ में आया ना, क्या होगा सबसे ज्यादा, देखो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा ना, जस्ट आफ्टर क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसमें क्या क्या, देखो लिनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही होगा यार, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व नहीं रहेगा ना, तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसमें कंजर्व नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, या इक्वेशन भी लिख सकते हो, अरे एम वन यू वन इक्वल प्लस एम टू यू टू इक्वल टू क्या लिखोगे, एम वन प्लस एम टू इंटू वी, कॉमन वेलोसिटी मालूम चल जाएगा, एनर्जी लॉस भी मालूम चल जाएगा, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे या कल मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ ई का वैल्यू क्या होगा, देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया ना यार, तो कल ई का वैल्यू क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही था ना, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लिख लो लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। अगला टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन, दोनों से लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, पहला क्या लिखोगे, डायरेक्ट और हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट और ऑब्लिक कोलिजन। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं जो कल हमने देखा भी था। ठीक है, डायरेक्ट और क्या पढ़ेंगे, हेड ऑन कोलिजन, कुछ सो नहीं, तुम ठीक से बैठो, डायरेक्ट और क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन, और ये क्या होगा, ऑब्लिक कोलिजन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोलिजन। दोनों तरह से कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट। तो ये अभी हमने ये पढ़ा था कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, तुम खुद से लिखो, जल्दी लिखो, लिखो क्या होगा, डायरेक्ट और हेड ऑन कोलिजन लिखो। इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों क्या होगा, सेम होगा, और इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा, डायग्राम मैंने बताया था, तो इसको लिख लो, और उसके बाद हेडिंग लिखो,
न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन, ठीक है। फिर हम आते हैं न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन, न्यूटन्स ने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हालांकि प्रूफ भी है, तुम बीएम शर्मा में भी दिया हुआ है, एक बार देखोगे तो आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ फॉर क्या होगा, कोलिजन, ठीक है। एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। न्यूटन ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो उन्होंने एक रिलेशन बताया जिसको हम क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको लिख लो। उन्होंने क्या बताया कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन क्या होगा, इंपल्स ऑफ, बताओ जल्दी, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे जे आर, समझ में आया ना, अपॉन क्या लिखेंगे, जे डी, जे आर, आर स्टैंड फॉर रिफॉर और डी स्टैंड फॉर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि फोर्स दिया हुआ है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो तो एन आर रिफॉर्मेशन इंपल्सिव फोर्स, ऐसे बताया था ना यार, एन आर डी टी, अरे एफ डी टी, अपॉन क्या लिखेंगे, एन डी डी टी। और यही से आता है, क्या आता है बताओ तुम, फिर उधर कहीं बाहर चला जाएगा, है ना, यही से क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये कलम ने लिखा था ना यार, वी टू माइनस वी वन अपॉन क्या होगा, ई वन माइनस क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था कि एक डायरेक्शन में इधर हमने क्या माना था प्लस और इधर क्या माना था माइनस, ये क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, बेसिकली अपने को इसका यूज सबसे ज्यादा है, इस जस्ट हमने बता दिया कि इसका भी यूज होगा, इसी से ये प्रूफ होता है, ठीक है। बीएम शर्मा में दिया हुआ है, तुम देख सकते हो, अभी ज्यादा टाइम लगेगा फिर, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो यहां से ये आता है, अपने को सबसे ज्यादा किसका यूज है, कल भी हमने देखा था किसका, इसका यूज है, समझ में आ रहा था। यहां से तुम देख सकते हो कि क्या रिलेशन है, तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, ई टाइम क्या होगा, ई वन माइनस क्या होगा, ई टू, ठीक है। यहां से तुम ये देख सकते हो कि ई का वैल्यू किसके लिए, हमने ये देखा था कल, तुमने आयल कैलकुलेट भी किया था, ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है किसके लिए, इलास्टिक के लिए। ई का वैल्यू क्या होता है, इसको लिख लो, फॉर इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू ऑफ ई इज वन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, वन और जीरो के बीच, और ये पूछा जाए कि ई का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, तो क्या बताओगे, ये इंपॉर्टेंट है ना यार, बोलो बोलो, तुम लोग कुछ भी सोच करके बोलो, इलास्टिक नेचर ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑलवेज याद रखना, इधर नोट में मैं लिखाता हूं क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में भी हम ये लिखेंगे, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और केवल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ये लिख लेना, द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड ऑन, ये नोट में लिखना, दो पॉइंट लिखना, पहले लिख लिए तुम लोग,
देखो द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड ऑन द इलास्टिक नेचर ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, किस पे डिपेंड करेगा? इलास्टिक नेचर ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा नोट में पॉइंट लिखना कि न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन इज यूज्ड ओनली अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। लिखो न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन इज यूज्ड ओनली अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। बस दो पॉइंट याद रखना, अभी इसकी जरूरत नहीं है सेकंड पॉइंट का, लेकिन जब हम ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे तो वहां हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही लिखेंगे। उसके बाद लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इन डायरेक्ट कोलिजन। जो तुम जानते हो ना, कल बताया था ना, देखो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, ए यू1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है, ए u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये अंडरस्टूड है कि u1 इज ग्रेटर देन क्या होगा u2, तभी कोलाइड होगा ना यार। ये जस्ट बिफोर कोलिजन, और यहाँ मैं बता देता हूँ कि ड्यूरिंग कोलिजन ठीक है, कि इसका मास m1 और इसका मास m2, इसका वेलोसिटी कुछ होगा, और ये आफ्टर कोलिजन। ये मान लो कि क्या है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है m1, ये क्या है v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका मास क्या है m2 है। अगेन याद रखना है कि हम इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, प्लस, और इधर जो होगा वो क्या होगा, माइनस, ये ध्यान रखना है ठीक है। अब हमने ये नहीं कंसीडर किया, देखो ये जस्ट आफ्टर क्या हुआ, तो पहला एक इक्वेशन कहाँ से लिखे हैं, कोलिजन मैंने नहीं बताया कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या है, मैं जनरल रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तुम बताओ पहले हम क्या यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे बताना जल्दी। देखो तो m1 ठीक है, u1 प्लस क्या होगा m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, समझ में आया ना। दूसरा हम क्या लिखेंगे बताना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे, अभी मैंने ही नहीं बताया कि कोलिजन किस टाइप का है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए लिख सकते हैं। ये भी लिख लेना कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड हो या नहीं हो, हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलवेज लिखते हैं ठीक है, ये भी नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट में उसमें ऐड कर लेना ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन ई इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन क्या होगा, u1 माइनस u2 ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताना, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम क्या होगा, u1 माइनस u2, यही होगा ना यार, ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है,
V1 V2 क्या होगा बताओ जल्दी, पारस खड़े हो, पारस नहीं कहा है? तुम बताना क्या होगा, V1 का वैल्यू बता रहे, V1 अरे तुम चुप हो जाओ आई, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा भी टर्न आएगा, टेंशन मत लो। कह रहे झुमरू घर पे जाकर के देखा था, अरे तुम बताना है ईश्वरी, V2 का वैल्यू बताओ, उसने तो गलत बता दिया, सही बताओ तुम। एक कल बताया था, कल तुम लोग से डिराई भी करवाया था, तुम लोगों ने शायद किया था या नहीं मुझे नहीं मालूम है, बोलो। ये तुम लोगों को मैं क्वेश्चन व्हाट्सअप करता हूँ आज, ठीक है, समझ में आया ना? इस पे केवल इस पे हेड ऑन कोलिजन पे 20 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके कल लाना। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। लाइन डिस्कनेक्ट हो गया इस रूट नहीं, खुशी तुम बताना, खुशी बोले कि सर मुझे भी याद नहीं है, है ना, बोलो। नहीं तुम V1 V2 कुछ भी बोल दे, एनर्जी लॉस ही बता दो, चलो तीन तो फार्मूला ही बताया था ना कल यार, तीन फार्मूला रट जाओ, और इसी पे मैं तुमको बताऊंगा कि पूरे कोलिजन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तीन फार्मूला पे। हाँ बोलते जाओ, तुम लोग बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे ही रटते रहो। क्या होगा बताना, M1 - E M2 अपॉन क्या होगा, M1 + M2 इंटू U1 + उधर बाद में लिखूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्या लिखा था, 1 + E M2 यही था ना यार, मुझे भी याद नहीं है, तुम लोग बता देना, M1 + M2 Q2 और V2 कितना था, M2 - E M1 ठीक है, अपॉन M1 + M2 U2 +1 + E M1 U1 अपॉन M1 + M2 समझ में आया ना? इसको यदि हम रट गए है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी मैं अब बोलोगे सर प्रॉब्लम ही उस प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, समझ में आया क्या? अरे कल लिखे हो तुम लोग, लिख लेना अभी भी, लिख लो एक बार है ना, कल मैंने बोला था ना कि मैं बोलूंगा कि आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन वी विल गेट दिस। उसको छाप लो तुम लोग, अब यहां हम लिखेंगे कि इफ कोलिजन इज इलास्टिक, सही है, तो यहां लिखेंगे केस फर्स्ट, एक ही साथ मैं लिख देता हूं, कोलिजन इज क्या होगा, इलास्टिक, तो E = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और गलती से V1 = क्या होगा, M1 - M2 upon M1 + M2 into U1 + क्या होगा 2 M2 U2 upon M1 + M2 और V2 = क्या होगा, देखो गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना, (2M1U1) upon यही होगा ना यार, सही है ना, ये लिख लिया। अब इसमें पॉइंट ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ M1 = क्या लिखेंगे, M2 ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ वैल्यू रखो तो V1 = क्या होगा, V1 = U2 और V2 = U1
जैसे देखिए आप लोग इस पे एग्जांपल कैसे लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन तुम, अरे यार शर्ट भी कैसे, एग्जांपल कैसे सोचोगे बताओ, तुम लोग अपने से एग्जांपल सोच सकते हो बताना, तो इतना झंझट है बताना, एग्जांपल सोच करके बताओ। जैसे देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m है और ए 4 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है जिसका मास अगेन क्या है m है, ए 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये मान लो ए ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन, अरे होगा ना यार, और ये दिया हुआ है कि यदि इलास्टिकली कोलाइड हो रहे हैं तो आफ्टर कोलिजन उनका वेलोसिटी क्या होगा। तो आंख बंद करके तुम लोग बता सकते हो ना बिना देखे, है ना, क्या होगा आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बताना, अरे बताओ। वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज होगा, तो इसको कितना वेलोसिटी मिल जाएगा, ए को 2 मीटर पर सेकेंड, बी को कितना वेलोसिटी मिलेगा, उधर दिखाई नहीं देगा है ना, तो ए 4 मीटर पर सेकेंड, सबका मास तुम सेम दिखा दो, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड एग्जांपल में इसको मैं रेस्ट कर दे रहा हूँ, सेकेंड एग्जांपल में, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल लिखना इसी में, इसको रेस्ट कर देंगे तो ये क्या, कौन रेस्ट हो जाएगा, ये 4 रेस्ट हो गया, तो इसको रेस्ट कर दिए यार और इसको मूव करा दे, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में मैंने क्या बताया था कि टारगेट जो हो वो क्या हो, बहुत ही हेवी हो, आई मीन उसका मास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या बताया था यार कि जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, रिबाउंड होगा, बताया था ना, जिसे यहाँ वॉल पे बॉल फेंको तो देखना जहाँ से फेंकते हो वही आता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो तुम यहाँ से प्रूफ सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें ये लिख लिए, सेकंड लिखो यहाँ, इफ एम टू इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा एम वन, देन क्या होगा, देन बताना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वन से क्या हो जाएगा, एम वन अपॉन एम टू बहुत छोटा हो जाएगा, तो नियरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी वन, वी वन इक्वल टू क्या होगा बताना। अब मैंने बताया किससे डिवाइड करेंगे यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एम टू से जो ज़्यादा है उसे डिवाइड करेंगे ना, या हम बोल सकते हैं कि एम टू कॉमन ले लें, दोनों सेम हुआ ना, तो ये कितना होगा बताओ। अरे इधर बोलो तुम लोग, M1 अपॉन क्या हो जाएगा M2 माइनस वन, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा M2 इंटू वन प्लस M1 अपॉन M2 इंटू U1, सही है। और ये वाला टर्म कितना होगा, ये तो बताओ, इसको क्या लिखें, अभी कब रिबाउंड होगा, जब एक रेस्ट में रहेगा, ऑलवेज रिबाउंड नहीं होगा। 2 एम टू यू टू अपॉन क्या होगा एम टू इंटू वन प्लस एम वन अपॉन एम टू, यही होगा ना यार, देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताना, वी वन इज इक्वल टू ए जीरो, देखो ये कैंसिल हो गया, ए जीरो ए भी जीरो, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस यू वन, सही है, प्लस क्या हो जाएगा, सही लिखा। ये कब होगा, जब ये वाला केस होगा, और यही देखो यदि टारगेट जीरो हो जाए, आई मीन रेस्ट में हो जाए, समझ में आना, तो रिबाउंड कर रहा है ना, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका उसी से क्या होगा, ये रिबाउंड होगा, तो इसको लिख लो। थर्ड केस क्या हो सकता है यहाँ, एम वन जो है वो है, M1 जो है वो M2 से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा बताना जल्दी,
बताओ तुम लोग लिख करके बताओ v2 कितना होगा यहाँ बताओ v2, हमने v1 लिखा, v2 बताना। अरे इस केस में v2 क्या होगा, हमने सही लिखा है ना, M2 ही कॉमन लिया था ना, सही तो है। क्या होगा देखो, अरे यहाँ ये तो टर्म जीरो हो जाएगा ना यार, अरे तो जीरो हो जाएगा ना, देखो यहाँ क्या होगा, अरे अनडिस्टर्ब होगा, अनडिस्टर्ब क्या होगा, मूव करेगा, इसको भी लिख लो, V2 लिखो, डायरेक्ट लिख दो चलेगा। तो देखो V2 क्या होगा, डायरेक्ट लिखू चलेगा ना, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I mean, उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा। थर्ड केस तुम अपने से सॉल्व ये कर लेना, ठीक है, बस इसमें यही है केवल, अब इस पे क्या करना है तुमको, न्यूमेरिकल्स करना है, दूसरा इसमें कोई थ्योरी नहीं है। एनर्जी लॉस मैंने बताया था ना यार, उसको भी लिख लेना तुम लोग। यहाँ एक केस कंसीडर कर लो कि M1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक केस सॉल्व करके बताना तुम, यहाँ क्या लिखोगे, M2 अपॉन M1 जो होगा वो क्या होगा, ये लेस देन लिखा हो, एक ही साथ लिख दिया हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, M2 अपॉन M1 इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और फिर इसको कैलकुलेट करके लिख लेना। अब इसमें क्या करोगे तुम, किससे डिवाइड करोगे, M1 से डिवाइड करो, तो देखो तो M1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अरे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, ये वाला टर्म, यहाँ यही मैं बता देता हूँ, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, अरे ये जीरो, और ये कितना होगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे V1 इक्वल टू E1 होगा क्या, होना भी चाहिए यार, है ना, ये होना चाहिए या नहीं, अरे यहाँ एक एक बॉल ऐसे मूव कराओ और वॉल के मूव करा दो, और वॉल से यदि बॉल कोलाइड होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें भी है। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1, लेकिन यहाँ देखो ये क्या होगा, देखो तो ये 2E1 और ये कितना हो जाएगा, ये जीरो आ रहा है, नहीं जीरो कैसे आ गया, ये जीरो आएगा क्या, ओ Yes, sir.
क्या हो, और टारगेट क्या हो, क्या हो जाएगा, जीरो कैलकुलेट।